उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन सभी फंसे हुए लोगों को सकुशल बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सुरंग में फंसे हुए लोगों को पर्याप्त भोजन सामग्री अंदर भेजी गई है और उनके लिए ऑक्सीजन भी लगातार सप्लाई की जा रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैनुअल तरीके से सुरंग से मलबा हटाया जा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तरकाशी सिलकियारा में जो प्रस्तावित टनल का निर्माणाधीन कार्य था लगभग 4.5 किलोमीटर का, उसमें मात्र 400 मीटर बचा हुआ है ब्रेक थ्रू के लिए। मतलब कि लगभग टनल 4 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और RVNL के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेज़ी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है और उन्होंने अंदर से भी ये कहा है कि अभी खाद्य सामग्री उनके पास पर्याप्त हो गई है, इसलिए उसको भेजने की अभी ज़रूरत नहीं है। अंदर से जो उन्होंने बताया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली।